सुप्रभातम बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत पद्य में प्रथम अध्याय में रामस पितृ भक्ति का भाग दो पढ़ाऊंगी। भाग एक इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आइए अब भाग दो में देखते हैं क्या बताया गया है। प्रियम तुम अप्रियम वक्तुम वाणी न अस्य प्रवर्तते तद अवश्यम त्वया कार्यम यद एनम असुतम मम। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है जब राम कैकेयी से कहते हैं कि पिता की जो आज्ञा हो आप उसे बताइए, मैं बिना पिता की आज्ञा का पालन किए क्षण भर भी जीवित रहना नहीं चाहता। तो कैकेयी बड़ी दृढ़ता पूर्वक से कह रही है कि प्रियम तुम अप्रियम वक्तुम, कहिए हे राम तुम प्रिय हो राजा दशरथ के, वक्तुम वाणी न अस्य प्रवर्तते इसलिए इनकी वाणी भी नहीं निकल रही है, अर्थात यह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि तुम राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र हो और यह तुमसे कुछ अप्रिय बोलना चाह रहे हैं, कुछ अशुभ बोलना चाह रहे हैं इसलिए इनकी वाणी भी नहीं निकल रही है, अर्थात कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तद अवश्य त्वया कार्यम यद एना आसुदम हो, यदि तुम उसे अवश्य ही पूरा करोगे तो मैं तुम्हें उस बात को बताऊंगी। बाद में देखिए क्या होता है। एसव मह्यम परम तत्व पुरा माम अनुपूज्य च सपश्चात्तप्यते राजा यथा अन्यं प्रार्थत। यही बड़ी विचारपूर्वक राम से कह रही है कि हे राम एसव मह्यम परम तत्व, इन्होंने मुझे पहले वरदान देकर के पुरा माम अनुपूज्य च, प्राचीन काल में माम मीन्स मेरा अनुपूज्य च, मेरा इन्होंने सम्मान किया, इन्होंने पहले मुझे दो बार देकर के मेरा सम्मान किया। सब पश्चात तप्यते राजा, सब इस वह पश्चात इसके बाद तप्यते राजा, तप्यते दुखी हो रहे हैं, तप्त हो रहे हैं दुख में राजा। कहिए करिए हे राम यह पहले मुझे बर देकर के मेरा सम्मान किए इसके बाद यह राजा दुखी उसी प्रकार से हो रहे हैं यथा अन्य प्राकृतिक, यथा जैसे अन्य प्राकृतिक अर्थात साधारण मनुष्य लोग दुखी होते हैं किसी बात को लेकर के, उसी प्रकार से राजा दशरथ दुखी हो रहे हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। यदि तद पच्छते राजा सुभम वा यदि वा सुभम करिष्यसि ततः सर्वम आख्यासामि पुनः त्वम अहम्। कहिए करिए हैं राम से यदि तद पच्छते राजा, यदि राजा जो कुछ भी वच्छते कहेंगे राजा शुभम यदि वा शुभम, राजा शुभ अच्छा अथवा वा अशुभम बुरा अशुभ, राजा जो कुछ भी कहेंगे अच्छा या बुरा परिश्रय से करोगे तब इसके बाद सर्वम आख्या सामी पुनः त्वम अहम, तो मैं तुम्हें पूरी बात फिर से बताऊंगी। यदि तुम यह प्रतिज्ञा करो कि राजा जो कुछ भी कहेंगे अच्छा या बुरा तुम उसे पूरा करोगे तब इसके बाद मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगी। अब आइए देखते हैं अगले पद्य में क्या हो रहा है। एतद् वचनं श्रुत्वा कैकेय्य समुदाहितम् उवाच यथितो राम तां देवी मृगसंहतो। एतद् वचनं श्रुत्वा कैकेय्यं समुदाहितम्, इस प्रकार कैकेयी की ऐसी कठोर वाणी को सुनकर के उवाच यथितो राम दुखी हुए राम और ताम देवी मृग सहित हो वाच और राजा के पास बैठी हुई देवी से बोले। कहे कि ऐसी वाणी को सुनकर की कौन सी वाणी, कहे कह रही है कि यदि जो तुम कुछ भी शुभ अशुभ अच्छा या बुरा राजा कहेंगे उसे तुम पूरा करोगे प्रतिज्ञा करो तो मैं तुमको फिर से पूरी बात बताऊंगी। तो ऐसी वाणी कहे कि ऐसी वाणी को सुन करके एकद वचन श्रुत्वा कैकेयी समुदाय चंद, इस प्रकार कैकेयी की ऐसी कठोर वाणी को सुन करके व्यथितो राम, राम दुखी हुए और ताम उस देवी को अर्थात उस कैकेयी को नृत्य संगीत होगा राजा दशरथ के पास, नृत्य इस राजा दशरथ को कहा गया है कि राजा दशरथ के पास बैठी हुई देवी से बोले। क्या बोलते हैं आइए हम अगले पद में देखते हैं। अहो भीत नरक से देवी व
वक्तुं माम ईदृशं वचनं। नारायण कह रहे हैं मुझे धिक्कार है आपको मेरे प्रति ऐसी वाणी बोलना। अहम ही वचना अहम मैं तो वचना वचन से राजा के वचन से पतेयम अभि पावके मैं पतेयम इस गिर सकता हूँ पावके इस अग्नि में। राम कह रहे हैं हे देवी मुझे धिक्कार है आपको मेरे प्रति ऐसी वाणी बोलना। मैं तो राजा की वचन से अर्थात राजा के कहने पर अग्नि में भी कूद सकता हूँ। इतनी सी ही क्या बात है, यदि राजा कहे कि तुम अग्नि में कूद जाओ तो मैं राजा के वचन के अनुसार राजा की आज्ञा पालन करते हुए मैं अग्नि में भी कूदने के लिए तैयार हूँ। अब क्या होता है और काम क्या करते हैं, नियुक्ता गुरु पित्रा नृपेच इदेच। और राम क्या कह रहे हैं कि गुरु पिता और राजा के ही से मैं नियुक्त किया गया अर्थात राजा गुरु और पिता की भलाई के लिए अर्थात उनके कार्य को पूरा करने के लिए। भक्ष एवं विषम कृष्ण मैं भयंकर पेट विष्णु भी खा सकता हूँ। पतेयम अभी अड़वे पतेयम लिख सकता हूँ और अड़वे में समुद्र की कह रहे हैं कि हे देवी यदि गुरु की पिता की गुरु पिता और राजा के हित के लिए यदि मुझे भयंकर विष भी खाना पड़े तो मैं खा सकता हूँ और समुद्र में भी छलांग लगा सकता हूँ अर्थात समुद्र में भी कूद सकता हूँ। इसके बाद देखिए क्या होता है, तद गुरु ही वचनम दे राज्यो यद अभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विज न अभिभाषते। राम कह रहे हैं कैकेयी से कि तद गुरु ही वचनम दे हे देवी उस बात को कहो राज्यो राजा की यद जो अभिकांक्षितम इस इच्छा है जो अभिलाषा है। हे देवी राजा की जो इच्छा है अभिलाषा है उस बात को कहो करिष्ये से प्रतिजाने प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूँ करिष्ये से मैं उसे पूरा करूंगा। हे देवी राजा की जो आकांक्षा है उसे तुम मुझे बताओ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे पूरा करूंगा। रामो द्विज न अभिभाषते रामो राम द्विज इस दो तरह की बातें न अभिभाषते नहीं बोलता है तब हे देवी राम सत्य बोलता है। राजा की जो भी आकांक्षा है अभिलाषा है उनके मन की इच्छा है आप वो बात मुझे बताइए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। राम दो तरह की बातें नहीं करता है अर्थात राम झूठ नहीं बोलता है राम जो करते हैं उसे करके दिखाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा रामस्तुति त्रिमंत्री का पाठ दो। बस आज के लिए इतना ही, आप जितना पद्य मैं पढ़ाई हूँ उसका सह संदर्भ हिंदी में व्याख्या आपको कॉपी में